नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम फिर से आपके लिए एक नया मॉडल पेपर लेकर आए हैं। मॉडल पेपर संख्या 6 है। तो ये 6 नंबर जो मॉडल पेपर है साथियों, ये हिंदी विषय से संबंधित है जो रीट मुख्य परीक्षा के तहत काम आने वाला है। और ये जो पेपर है ये ऑथेंटिक क्वेश्चन से बना हुआ है। तो साथियों, ये 30 क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में, तो इनको जरूर देखिएगा। तो साथियों, कीजिए अपना आकलन और देखिए ये एक पेपर जो ये मॉडल पेपर के रूप में देखेंगे। हिंदी इस खंड में कुल 30% है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो साथियों, ये सभी प्रश्न अनिवार्य है यानी सभी करेंगे हम। तो साथियों, शुरू करते हैं। हम वही सीरीज है ये हिंदी वाली कि पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपसे पूछा जाएगा ये उत्तर, और आप बता दोगे जैसे भी सही है या गलत है, तो बाद में मैं बता दूंगा आपको कि सही ये होना है। और जो आप कमेंट सेक्शन है उसमें आप लास्ट में ये बता सकते हो, ये बताकर ही जाएं कि कितने आपके सही हुए कितने आपके गलत हुए, इस प्रकार से। तो साथियों, शुरू करते हैं क्वेश्चन। भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है, यानी भाषा कौशलों में से जो अभिव्यक्ति कौशल है वो बताना है। तो साथियों बताइए, सुनना और बोलना, लिखना और पढ़ना, बोलना और लिखना, पढ़ना और बोलना, कौन सा इसका अभिव्यक्ति कौशल है? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा सी। बोलना और लिखना दोनों ही अभिव्यक्ति कौशल है। हम किसी को बता सकते हैं कि हमारे विचार क्या हैं बोलकर और लिखकर। आगे क्वेश्चन है, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? तो साथियों, अनुलेख है वो किस भाषा कौशल से संबंधित है ये बताना है। श्रवण, वाचन, लेखन या वादन, बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा, लेखन। लेखन के द्वारा अनुलेख है वो बताया जा सकता है, यानी अनुलेख है वो लेखन भाषा कौशल से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, लिंगवा फोन जिसको रिकॉर्ड प्लेयर भी कहते हैं किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो लिंगवा फोन के बारे में बताना है किस प्रकार की अधिगम सामग्री है। प्रक्षेपक है या दृश्य है या दृश्य श्रव्य है या श्रव्य सामग्री है, बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वे सामग्री। लिंगवा फोन है वो सर्वे सामग्री के अंतर्गत आता है। तो साथ ही ये क्वेश्चन विशेष रूप से याद रखना, ये एग्जाम में रिवाइज होने का पूरा चांस रहेगा इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लिंगवा फोन वाला। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। तो साथियों, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है। परामर्श कक्ष, श्रवण कक्ष, नियंत्रण कक्ष, विश्राम कक्ष, क्या इसका राइट आंसर होगा साथियों बताइए। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्राम कक्ष, जो भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। लेकिन बात करें भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में जो सम्मिलित है उनकी, तो उसमें परामर्श कक्ष, श्रवण कक्ष और नियंत्रण कक्ष हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आगे है, सस्वर वाचन का गुण है। तो साथ ही सस्वर वाचन का गुण बताइए क्या होगा। अस्पष्ट उच्चारण होता है, क्षिप्रता होती है, उचित ध्वनि निर्गम होती है, निर्गम और अस्वाभाविकता होती है, क्या होता है साथियों सस्वर वाचन का गुण? तो साथियों, सस्वर वाचन का जो गुण होता है वह है उचित ध्वनि निर्गम, यानी जो उच्चारण है वो उचित रूप से होता है। आगे इसमें क्वेश्चन है, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो बताइए साथियों, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में जो उपयुक्त कथन है उसके बारे में। चार ऑप्शन आपके पास में पढ़िए और बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। आगे इसमें क्वेश्चन है, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है? तो साथियों, ये किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है जिन्होंने कहा है मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है, यानी मनोविज्ञान या दार्शनिक जो भी हम कहें। तो साथ ही इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा माइकेलिस। माइकेलिस की एक परिभाषा है। आगे क्वेश्चन है, विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों शिक्षण? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण।
जो विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है, तो बताइए साथियों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। आगे क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है, तो साथियों कितने पद होते हैं उपलब्धि परीक्षण निर्माण में, बताइए कितने पदों का प्रयोग होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 4। आगे साथियों गद्यांश से संबंधित एक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं गद्यांश को थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी स्पीड में। मनुष्य का मन सदैव गतिशील रहता है, ऐसा होता है कि विरोधी शक्तियां उसे अपनी ओर खींचती है। जो मनुष्य मन के विपरीत परिस्थितियों में अपने को मजबूती से खड़ा नहीं रख सकते हैं और उस धारा के साथ बह जाते हैं, वे कभी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेंगे। उनके लिए तो यह कहना चाहिए कि वे जीवित रहते हुए मुर्दे के समान हैं। मन की अवस्था तो सभी को पलटती है। जो व्यक्ति समय एवं परिस्थिति को समझ लेता है, वे कभी धोखा नहीं उठा सकते और कठिनाइयों के बीच भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं। कारण जानकर वे उसके विषैले और दूषित प्रभाव से भी बचने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या मिलेगी जो अपनी मनोदशा से त्रस्त हो जाते हैं और ऐसे काम पर बैठते हैं जिनसे उनके शांतिमय जीवन में अशांति का विष घुल जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है तो तुम सफल न होगे, क्या करोगे, इसको तुम्हें जानना आवश्यक है। उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार की नाव की तरह होता है। तो साथियों यहाँ पर उद्देश्य की विशेष रूप से बातें कही है कि उद्देश्य किस प्रकार होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होता है तो किस प्रकार व्यक्ति का आगे सफलता रहती है और नहीं होता है तो व्यक्ति किस प्रकार आगे समस्याओं से घिरा रहता है, इस प्रकार से इसमें बताया है। आगे क्वेश्चन है इसमें, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो साथियों सदैव शब्द है उसका संधि विच्छेद बताना है, तो बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राष्ट्र जो राइट आंसर होगा वो होगा सदा धन एव, सदैव हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो विश्व जो ये शब्द है इसका पर्यायवाची बताना है, तो साथियों इसका राइट आंसर है वो गरल हो जाएगा, डी ऑप्शन है गरल हो जाएगा विश्व का पर्यायवाची। आगे क्वेश्चन है, विरोधी शब्द का विलोम होगा, तो बताइए साथियों विरोधी का जो विलोम है वो क्या रहेगा, तो साथियों समर्थक, विरोधी का जो विलोम है वो समर्थक होगा। आगे क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय, यानी जो मनोदशा बताई है, ये मनोदशा जो शब्द है इसकी इसका आशय बताना है साथियों, बताइए मन से दशा, मन पर दशा, मन की दशा, मन को दिशा, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा मन की दशा, जिसे मनोदशा कहते हैं। क्वेश्चन है आगे, मनुष्य शब्द है, तो मनुष्य शब्द किस प्रकार का है, अव्यय है, भाववाचक है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है, तो बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक, मनुष्य। आगे क्वेश्चन है, ये भी एक गद्यांश दिया हुआ है, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। गद्यांश में है, इस भूमि पर बसने वाला जन और उसकी संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित रूप से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि के मौखिक रूप और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती वह निर्मूल होती है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी है उन्हीं के कारण वह वसुंधरा कहलाती है। मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, उनके कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन बराबर हैं,
उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। ये जन अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है, अभी इसमें जो क्वेश्चन है वो देखते हैं पहले, फिर राइट आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है, अमूल्य का अर्थ बताइए। जो अमूल्य शब्द है इसका अर्थ बताना है। तो साथियों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मूल्य न आंका जा सके वही अमूल्य होता है। क्वेश्चन है, निधियां शब्द का एकवचन होगा। तो साथियों निधियां जो शब्द है इसका एकवचन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निधि, ये इसका एकवचन हो जाएगा निधियां का। आगे क्वेश्चन है, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। वाक्य में कौन सा काल है। काल बताना साथियों, कौन सा काल है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, साधारण वाक्य सामान्य वर्तमान काल है ये। आगे क्वेश्चन है, भाव शब्द है। तो भाव जो शब्द है वो कौन से लिंग का है साथियों, ये बताना है। तो साथियों ये जो भाव है ये शब्द पुल्लिंग का है, जैसे बोलते हैं ना भाव आया या इसका भाव ऐसा हो गया, इस प्रकार से ये पुल्लिंग में है। आगे क्वेश्चन है, अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है। अचेतन शब्द का अर्थ बताना है साथियों, बताइए क्या होगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अचेतन का निर्जीव। आगे क्वेश्चन है, वाक्य के कितने अंग माने गए हैं। तो साथियों बताइए वाक्य के कितने अंग हैं। तो साथियों वाक्य के दो अंग हैं माने गए हैं। आगे क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। वाक्य के दो अंग में उद्देश्य विधेय हो जाएंगे साथियों, और कंफर्म कर लेना, मेरे तो यही ध्यान में है कि उद्देश्य और विधेय होंगे। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है साथियों। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जो रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है, क्योंकि रचना के आधार पर वो तीन प्रकार के वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और साधारण वाक्य, सामान्य वाक्य बोलते हैं, साधारण वाक्य हो जाएगा, इस प्रकार से तीन हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। यानी दो शब्द होते हैं, एक ये शब्द है एक ये शब्द है, इनके बीच में जो लगता है उस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं ये बताना है। तो साथियों क्या कहते हैं बताइए। तो साथियों योजक चिन्ह होता है वो। आगे क्वेश्चन है, ढाक के तीन पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो ढाक के तीन पात इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है, बताइए साथियों क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सदा एक सी स्थिति बने रहना। ढाक के तीन पात होना, सदा एक सी स्थिति बने रहना। आगे क्वेश्चन है, बहुत लज्जित होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बहुत लज्जित होना, तो साथियों बहुत लज्जित होना, गढ़ो पानी पड़ेना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। तो साथियों किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि है इसके संबंध में जो सत्य कथन है वो बताना है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती, ये सत्य कथन है कि भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। आगे इसमें क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा संबंध निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है। तो साथियों बताना है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में जो भाषा की शिक्षा है वो किस माध्यम से दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक पर्यावरण से। सामाजिक पर्यावरण से बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा दी जाती है। आगे इसमें क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है। तो बताइए साथियों भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की सीमा है उसके बारे में बताना है, कौन सा आंसर राइट होगा इसका। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। आगे क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है, यह बताना है कि परिवीक्षित अध्ययन उपागम का जो सोपान नहीं है वो बताना है इनमें से। तो
तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा कलात्मक परियोजना। आगे क्वेश्चन है सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है? तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए कहा गया है कि उनको सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। तो साथियों ये जो रीट मुख्य परीक्षा को आधार मानते हुए जो मॉडल पेपर हमने ये छठा हिंदी का मॉडल पेपर हल किया है इसके 30 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। तो साथियों ये अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हेल्पफुल लगे तो आप अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथियों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो साथियों हम इसी प्रकार ये जो मॉडल पेपर की श्रृंखला है इसमें मॉडल पेपर है आगे तक लाएंगे, खूब सारे मॉडल पेपर है, इनको अच्छे से देखना साथियों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अन्य साथियों को भी हमारे साथ जोड़िए ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो जाए। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार इन्हीं नए वीडियो के साथ। तो मिलते हैं साथियों, जय हिंद जय भारत।